गर्व की बात है कि हम लोग सब आज यहाँ इस समारोह में आए हैं जयपुर स्थापना दिवस की। मैं सभी जयपुर वासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ, बधाई देती हूँ। मुझे भी बहुत गर्व है कि मैं जयपुर की बेटी हूँ और जयपुर एक ऐसी प्लान्ड सिटी के रूप में 297 साल पहले उस समय की क्या सोच रही होगी जब सवाई जयसिंह जी ने जयपुर को बसाया और बिल्कुल एक इतनी अच्छी तरह से जयपुर की बसावट की गई उस समय जो आज भी कायम है। हमने देखा परकोटे में आज भी जो सड़कें हैं, जो सूवेज सिस्टम है, ड्रेनेज सिस्टम है, आज भी वैसे ही चल रहा है। तो ये एक हमारे लिए उदाहरण है, पूरे विश्व के लिए उदाहरण है कि ये जिस तरह से सवाई जयसिंह जी खगोल शास्त्र के भी बहुत उसमें भी बहुत उन्होंने कार्य किया, वास्तु शास्त्र में भी किया, पांचों जो हमारे जंतर मंतर है भारत में उनकी भी स्थापना उन्होंने की, उनको बसाया उन्होंने। और यहाँ जयपुर को भी जब जयपुर बसा उस समय भी पूरे भारत से अलग अलग जो क्राफ्ट्समैन थे, आर्टिसंस थे, उनको जयपुर लाके उनको जयपुर में उस समय जगह दी। और अब आपने देखा होगा जयपुर में क्या नहीं है, सब कुछ है। जयपुर टूरिज्म के लिए भी पूरे विश्व में जयपुर की पहचान है, जयपुर यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। वो इसलिए है क्योंकि उस समय जो बना था, जिस तरह से जयपुर बसा था, वो आज भी लोगों को अचंभा होता है कि कैसे उस समय ऐसा जयपुर बनाया होगा, किस सोच से बनाया होगा। बहुत गर्व है मुझे कि हम सब जयपुर वासी हैं और हम सब आज इस दिन को मना रहे हैं। मैम, जयपुर के सामने कई चुनौतियां हैं क्योंकि जो विरासत जयपुर को मिली थी उसको सजो के रखना हर आम जनता की जिम्मेदारी, उसको लेकर क्या कुछ कहना चाहिए? जैसा कि आपने सही कहा कि सबकी जिम्मेदारी है, प्रशासन की है, सरकार की है और नागरिकों की भी उतनी ही है। तो सभी से निवेदन करूंगी मैं आपके माध्यम से कि अपनी जिम्मेदारी को निभाएं, जयपुर को साफ रखें, जयपुर को सुरक्षित रखें। कहीं भी आपको लगता है कुछ भी ऐसा हो रहा है तो उसको अपने आप जाके रोकें, ये इंतजार ना करें कि कोई और कुछ करेगा। हम अब जब तक हम इनिशिएटिव नहीं लेंगे, पहल नहीं करेंगे, तब तक कुछ बदलेगा नहीं। तो सभी को हम सब मिलकर अगर ये एफर्ट करेंगे तो जयपुर डेफिनेटली सबसे नंबर वन स्वच्छता में भी बहुत जल्दी आएगा। बिल्कुल, देवमाली को बेस्ट विलेज का अवार्ड मिला है केंद्र सरकार से। बहुत गर्व है मुझे, खुशी है मुझे कि हमारे राजस्थान के गांव को इस तरह का पुरस्कार मिला है। और इसको टूरिज्म से कैसे जोड़ना है, वहां पर मैंने सब कुछ देखा, वहां पर 300 से ज्यादा कच्चे मकान है, वहां पर लोग बिल्कुल पर्यावरण के साथ जी रहे हैं, अपने कुछ पशुपालन करते हैं, खेती करते हैं, वहां पर इतना कुछ है। तो एक पर्यटक वहां जाकर उसको देखे कि रूरल टूरिज्म क्या होता है, वहां पर कैसे लोग अपनी दिनचर्या का कैसे वो जीते हैं, क्या करते हैं, उसमें मुझे लगता है एक नया एक टूरिज्म डेस्टिनेशन हमारा स्थापित हो गया है और उसको हमको आगे बढ़ाना है, जो कि सरकार अपनी तरफ से प्रयास करेगी कि उसको भी टूरिस्ट सर्किट से जोड़ा जाए, ज्यादा से ज्यादा पर्यटक देवमाली भी जाए। किस तरह 9 ग्रहों के आधार पर जयपुर को 9 ग्रिड के अंदर बांटा गया, जो हमारे पोल है, जितने द्वार है वो पोलों के अंदर विभक्त किया गया, हर चौड़ी सड़क जो है वो कहीं ना कहीं जाकर मिल सकती है, यानी कोई अगर अनजाना भी आदमी जयपुर में आता है तो उसको भी रास्ता मिल जाता है, उसको भी रास्ता मिल जाता है। जयपुर में हर रास्ते खुले हैं और जयपुर के अंदर माननीय मुख्यमंत्री मोदी जी के नेतृत्व के अंदर राइजिंग राजस्थान में भी इन्वेस्टमेंट के रास्ते भी खुले हुए हैं और राइजिंग राजस्थान है। और हमारी उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी जी भी अभी आकर सवाई जयसिंह द्वितीय जी को माल्यार्पण करके दीपदान का कार्यक्रम किया है, उनको धन्यवाद भी देते हैं क्योंकि उनके पूर्वजों ने इस सुंदर जयपुर को बसाया जिसमें हम सब आज में प्रथम नागरिक के पद पर सुशोभित हूँ। हमारी महिलाएं मातृशक्ति इसमें 30 त्यौहार मनाती है, जयपुर की परंपराएं मनाती है, जहाँ हमारे गोविंद देव जी हैं तो वहाँ गढ़ गणेश जी हैं, जहाँ मोती डूंगरी है गंग पोल दरवाजे के ऊपर गंगा पोल पर गणेश जी विराजे हैं। तो इतना सुंदर जयपुर है, इस जयपुर को, इसकी संस्कृति को, इसकी विरासत को हम सबको मिलकर आगे बढ़ाना है और स्वच्छता के अंदर भी जयपुर को आगे बढ़ाना है और इसमें जयपुर वासियों का सहयोग चाहिए और स्वच्छता के अंदर भी हमने जब जयपुर समारोह है और जब समारोह या उत्सव की शुरुआत होती है तो हम सबसे पहले स्वच्छता से करते हैं और इस बार जयपुर समारोह हमने प्रभु श्री राम को समर्पित किया है क्योंकि अयोध्या में राम जी विराजमान हो गए हैं। जब अयोध्या में रामलला विराजमान हुए थे तो नगर निगम ग्रेटर जयपुर में जहां आएंगे राम स्वच्छ रहे हर धाम की शुरुआत की और अब हम कह रहे हैं कि आ गए हैं प्रभु राम, स्वच्छ रखेंगे हम अपना धाम। इसके साथ हम 7 दिन तक
शुरुआत में 7 दिन तक हम स्वच्छता के कार्यक्रम करेंगे जोन वाइज, सबको मिलाकर युवाओं को, महिलाओं की, सबकी भागीदारी के साथ में स्वच्छता अभियान चलाएंगे। उसके बाद में जब जयपुर बसा है और इतना उत्सव है, खुशी है, तो हमारी सेवा बस्ती कच्ची बस्तियों के अंदर हम बच्चों को वहाँ मिठाइयाँ वितरित करेंगे। वहाँ हमारे RRR सेंटर से हम खिलौने, किताबें, कपड़े वहाँ जाकर हम उनको वितरित करेंगे। इसके साथ हम युवाओं को जोड़ने के लिए राम ही सुर कार्यक्रम करेंगे, जिसमें राम भजनों के माध्यम से युवा हमारी संस्कृति से जुड़ेंगे, युवा हमारे जयपुर को पहचानेंगे। इसके साथ ही प्रेम रामायण के माध्यम से एक नाटक है प्रेम रामायण, उसके माध्यम से जयपुर देखेगा कि किस तरह प्रभु श्री राम और रामायण का जो है एक अनूठा चित्रण है, जो अनूप सोनी जी, स्मिता बंसल के द्वारा किया गया। तो इतना सुंदर जयपुर है, हम सबको मिलाकर अपनी संस्कृति, इस परंपराओं को आगे बढ़ाना। मैम, जो विरासत जयपुर को मिली थी, अब नाले नालियां बन चुके हैं, कुछ देर की बारिश में जो ड्रेनेज सिस्टम है वो फेल हो जाता है, इसमें कहीं ना कहीं आम लोगों की भी इसमें बड़ी जिम्मेदारी बनती है, लेकिन अब जो परिवर्तन आ रहा है, जो चुनौतियां जो प्रशासन के सामने आ रही है, उसको लेकर क्या कहना? निश्चित रूप से देखिए, चुनौतियां आ रही है, क्योंकि जो नाली है, जैसे आप पुराने वॉल सिटी को हम देखते हैं, जो सवाई जयसिंह जी के द्वारा बसाया गया था, वो बहुत सुंदर बसाया गया, पर उस पर कुछ क्षेत्र अतिक्रमित हो गया। अतिक्रमित होने के कारण से पानी की रुकावट है, ये स्वाभाविक सी है कि अगर अतिक्रमण होगा तो कुछ न कुछ उसके दुष्परिणाम सामने आएंगे। ट्रैफिक जाम भी हम अगर देखते हैं, हम सबकी जिम्मेदारी है कि ये सब नहीं करें। बाकी प्रशासन, नगर निगम है, वो अपना कार्य लगातार करता रहता है, और जयपुर वासियों के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। अगर अतिक्रमण भी हटा रहे हैं तो उनके आने वाली पीढ़ियों के लिए यही जयपुर, इतना सुंदर जयपुर को हम छोड़ना चाहते हैं, इतना सुंदर जयपुर को और आगे बढ़ाना चाहते हैं। अब जयपुर जो है छोटी काशी के रूप में, जो जयपुर है वो मेट्रो सिटी के रूप में भी परिवर्तित हो गई है। यहाँ जयपुर वेडिंग डेस्टिनेशन का बहुत बड़ा पॉइंट बन चुका है, तो ऐसे जयपुर को हम सब मिलकर आगे बढ़ाए। निश्चित रूप से हर कोई व्यक्ति उसी रूप को देखना चाहते हैं कि वो जयपुर 300 साल पुरानी कल्पनाएं उनको साकार करना और वो मॉड्यूल आज तक स्थापित रहना, वो एक बहुत ही अच्छी तरीके से प्लांड वे में किया गया काम है, और इस सबको हमें उसी रूप में हमारी धरोहर को संरक्षित रखनी चाहिए। हमारे प्रधानमंत्री जी धरोहर को, हमारी विरासत को, हमारी संस्कृति को हमेशा बचाने की बात करते हैं कि हमेशा वो बचेगी तो हम बचेंगे, और उसको बचाने की जिम्मेदारी हर व्यक्ति की है, हर आम व्यक्ति की है। देखिए, इसके अंदर जो है जयपुर वासियों में जोश है, यहाँ चारों दिशाओं में नगाड़े लगे हुए हैं, चहु दिशाओं में नगाड़े बज रहे हैं, दसों दिशाओं के लिए दीप दान किया गया, और उप मुख्यमंत्री महोदय जी बीच में आई, हर व्यक्ति की जो है दीप दान करने की इच्छा, हर व्यक्ति यहाँ सवाई जय सिंह जी के प्रति कृतज्ञता अर्पित करने के लिए आए हैं, तो वो उत्साह जयपुर वासियों का वो प्रबल हो गया, और वो उत्साह ही कर सकते हैं उसको कि हर कोई, हर व्यक्ति उत्साहित है इस वजह से।